नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। पप्पू यादव की बिटिया पहली बार मीडिया के सामने आ गई है और अपने पापा पप्पू यादव के साथ टेबल टेनिस खेलती नजर आ रही हैं। तो उनके बेटे सार्थक रंजन भी जो हैं वो साथ में हैं और वो भी जो है अपने पापा यानी कि पप्पू यादव के साथ में जो हैं टेबल टेनिस खेलते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि पप्पू यादव और जो रंजीत रंजन हैं उनकी लव स्टोरी, उनकी उनकी प्रेम कहानी, उनकी शादी की किस्से तो आपने खूब सुने हैं, लेकिन अचानक से पप्पू यादव का बेटा सार्थक रंजन उस वक्त सामने आया जब पप्पू यादव को कुछ दिन पहले एक पुराने मामले में जेल में डाल दिया गया था। उसके बाद बेटे ने अपने पिता के लिए गुहार लगाई और इन तमाम खबरों के बीच में अब पप्पू यादव दिल्ली में हैं तो अपने बेटा और बेटी के साथ में जो कहें कि फुर्सत के पल हैं वो बिता रहे हैं। और उसके साथ ही टेबल टेनिस का एक वीडियो सामने आया जिसमें उनकी बेटी भी नजर आ रही हैं। जानकारी के मुताबिक प्रकृति रंजन जो हैं वो पप्पू यादव की बेटी का नाम है और वो एक तरीके से कहें प्रोफेशनल टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं और वो जो है टेबल टेनिस खेलती नजर आ रही हैं। और दूसरी तरफ उनके बेटे सार्थक रंजन जो हैं वो क्रिकेट खेलते हैं और क्रिकेट में मतलब अच्छा खासा मेहनत कर रहे हैं और वो भी टेबल टेनिस खेलते नजर आए हैं। तस्वीरें आपके सामने देखिए, किस तरीके से इसके पहले पप्पू यादव अचानक से गोल्फ खेलने कभी पहुंच जाते हैं तो कभी पप्पू यादव खुद गाड़ी चलाते नजर आते हैं। और पप्पू यादव के अलग अलग अंदाज जो हैं वो लोगों के बीच में बड़े अच्छे खासे पॉपुलर हैं, लेकिन ये पहली दफ़ा है जब उनकी बेटी बेटी जो हैं प्रकृति रंजन जो हैं वो अब सामने आई हैं और वो टेबल टेनिस अपने पापा के साथ खेल रही हैं। तस्वीरों के साथ छोड़े जाते हैं। Oh my god.